Assalamualaikum, मैं हमीर अफजी शान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान और मेरे साथ आज साहिर अली बग्गा साहब मौजूद हैं जिनको आप सब सुनते हैं मैं भी सुनती हूँ और हम सबके बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने बेसिकली सिंगिंग कैसे इसके अंदर आए कम्पोज़र से सिंगिंग तक का सफ़र जो है वो कैसा था तो सर असलकम कैसे हैं आप? अच्छा तो सबसे पहले तो ये बताएँ कि आप मतलब से आपने यानी कि इसको स्टार्ट लिया था जब ड्रमर जब थे आप पहले उसके बाद आपने कंपोजिंग जो है वो की है फिर सिंगिंग तक आप किस तरह आए सिंगिंग तक आ, आना कोई मेरे लिए आ, मुश्किल नहीं था क्योंकि मैंने आ, कभी कोई ख़ास सोचा नहीं था कि मैं सिंगिंग की तरफ आऊँगा लेकिन यह था कि मुझे कंपोजिंग का म्यूजिक मेकिंग का, का बहुत शौक था शुरू से तो मैं उसी में रहा हूँ कुछ लिखता भी रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें कंपोज भी करता था बहुत सारे आइडिए खुद ही दिमाग में आते थे, थे कि ऐसे होना चाहिए ऐसे होना चाहिए गाइड वोकल होते हैं एक कि जब आप कंपोज़ करते हैं कोई चीज़ तो आप सिंगर को आप गाना गा के भेजते हैं एज ए कम्पोज़र आप माइक पे गाते हैं गाना इसको रिकॉर्ड करते हैं और आप उनको भेजते हैं कि जी ये गाना है ऐसे गाना है तो मतलब ये स्केल होगा इसको आप मतलब प्रैक्टिस कर लें तो वही गाना फिर हम जो प्रोजेक्ट हेड होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं या डायरेक्टर होते हैं उनको भी भेजते हैं ताकि उनको समझ आ जाए कि गाने की फ़ील क्या है और किस तरह जो उन्होंने हमें जो ब्रीफ किया होता है वो हम उनको सुना देते हैं कि ये है। तो उसमें समटाइम ये होता है कि जो लोग प्रोजेक्ट हेड है होते हैं वो पैसे लगा रहे होते हैं उसके ऊपर काफ़ी तो उनका डायरेक्टर का भी एक फ़ील होता है अपना जो उसने सोचा होता है कि मैं ये कर रहा हूँ मैंने इस तरह बनाना है तो वो आहिस्ा इस तरह होना शुरू हो गया कि मैंने जो गाइड वोकल मैं करता था तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे कहते थे कि यार ये किसने गाया हुआ है तो मैं कहता था ये तो मैंने गाया हुआ है तो जब मैं वो गाता था तो उनको अच्छा लगता था वो कहते थे कि यही वोकल रहने दें हाँ किसी भी सिंगर से ना गवाएं तो बेहतर है तो यही वोकल रहने दें तो मैं कहता था चले ठीक है अब सही लग रहा है तो तो फिर ऐसे ही गाना मैंने गाने शुरू किए इनमें से फिर कुछ चीज़ें हिट होना शुरू हो गई फिर लोगों को पसंद आना शुरू हो गई चीज़ें तो फिर इस तरह जैसे लोगों की डिस्कशन होनी शुरू हो गई कि यार ये कि नई आवाज़ आई है तो मुझे भी लगता था कि हाँ ये अच्छी आवाज़ है सम टाइम मैं किसी गाने को इंजॉय कर रहा था तो मुझे लगता था क्योंकि मैं गाने इतने बनाता था मतलब रोज़ डेली बेसिस पे मुझे नहीं याद होता था कि कौन कौन सा गाना है मुझे अभी भी कॉन्सर्ट में अपने गाने भूल जाते हैं क्योंकि मैं मेकिंग इतनी सारी होती है वर्ड्स याद करना और वो सारी चीज़ें तो जो मेरा तो आप सब म्यूज़िक मेकिंग फैक्ट्री वाला हिसाब था ना तो उसमें मुझे भी लगता था कि हाँ ये आवाज़ अच्छी लग रही है ये कौन है तो बाद में थोड़ा सा सुनता था लगता था मैं खुद ही हूँ बाद में पता चलता था तो इसी तरह फिर काफ़ी डिमांड होना शुरू हो गया फिर फिर मुझे सबने कहना शुरू कर दिया कि आपसे गाना गवाना है अलग अलग कंपोज़र्स मेरे से गंवाना शुरू करते हैं उन्होंने फिर इसी तरह कोक स्टूडियो से मुझे कॉल आ गया तो मैंने वहाँ पे गाना गाया तो वो एक सुपर हिट गाना हो गया उसके बाद फिर मेरा हाई स्केल था उसमें मुझे मुझे फीमेल वोकल्स की वजह से क्योंकि उनका इतना हाई नहीं जा रहा था तो उनको लो करना पड़ा तो मेल और फीमेल सिंगर का एक, एक स्केल टेक्चर ऐसा होता है कि आप जितना लो जाएंगे आपको ऊपर जाना पड़ेगा तो मेरी आवाज़ ऊपर चलेगी काफ़ी ना उस बाज़ी गाने मैंने बहुत टेक्निक से गाया हुआ कितना हाई सुर असल में होता नहीं मैं हालांकि लो में गा तो मेरी आवाज़ ज़्यादा प्यारी होती है तो मुझे हाई पे गाना पड़ा वो गाना वो गाने का टाइप भी ऐसा था एक पंजाबी सराकी टाइप का गाना था मतलब मतलब एक भंगड़ा टाइप म्यूज़िक और इस तरह जैसे कि कोक छूटी का म्यूजिक होता है इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हो उसके अंदर से फिर आवाज़ निकलती है जब तो वो आपको थोड़ा सा हाई पिच रखना पड़ता है तो इसलिए फिर वो मैंने हाई गाया उसको तो उसमें ये हुआ कि मुझे जो नेशनल सॉन्ग्स होते हैं उसमें आवाज़ ही हाई नोट्स पे चाहिए होती है बिल्कुल जो लोग लिखते हैं जो लोग सोचते हैं कि एग्रेसिव और थोड़ा सा जज्बाती और एक एकदम रोंग टे खड़े कर देनी आवाज़ और लाउड हो जो कि तो मेरी उस आवाज़ में उनको लगना शुरू हुआ कि इसकी आवाज़ में ये चीज़ है हाँ तो पाकिस्तान में मतलब ऐसा सिंगर है कि जो इतना हाई गा सकता है तो वो फिर मुझे नेशनल सॉन्ग गाए मैंने हाई लेवल पे हाई स्केल्स पे वो मैंने ऐसे गाया कि वो लोगों को पसंद भी आए वो शुक्र भी अल्लाह का कि मैंने वो कम्पोज मेरे से अच्छे हो गए आइडियाज़ जो आप सोचते हैं कि मुझे क्या बनाना चाहिए नेशनल सॉन्ग में तो उस टाइम पे जो आपको जो वाइब आती है या आप उसको उस चीज़ को सोचते हैं तो वो एक अच्छी क्रिएशन हो जाए तो ये मैं समझता हूँ अल्लाह की मेहरबानी है फिर उसको गाया भी अच्छा जाए तो वो फिर चीज़ें एक पूरी एक डाई होती है ना उसके ऊपर पूरा बैठ जाता है सारा तो अभी रिसेंटली रमज़ान के अंदर आपने कोई नात कोई ऐसी चीज़ आपने लिखी है तो मेरे दिमाग में था मैंने सोचा था कि रमज़ान में मैं अक्सर नात या कलाम कोई मैं ज़रूर पढ़ता हूँ कि भाई इससे बड़ी शहादत क्या है हमारे लिए कि हम उम्मत मुस्तफ़ा में से हैं अलहदुल्ला तो फिर मैंने अलहमद उम्मत उमत मस्तफ़ी है हम तो मैंने उसी को फिर ये आइडिया था मेरी इसको लेके हालांकि ये रोज की बात है ना मतलब तो आप हम रोज शुक्र करते हैं हम हम रोज दरफ पढ़ते हैं हम ये चीज़ होती है ना कि लफ्जों को जो पुराना होता है और फिर तो उसको उस तरह से पढ़ना गाना जो है ये एक आर्ट होता है तो इसके बाद शुरू हो जाता है ना पहले आइडिया ये काम नहीं है ये अल्लाह की देना पाकिस्तान में तो समझ आती है लोग आपसे कहते हैं क्योंकि आप पाकिस्तानी ऐसे नेशनल सॉन्ग्स आपने ऐसे गाए हैं जो वाकई में बहुत खूबसूरत है और वाकई पुरजोश हैं जिनको सुनने का दिल करता है इंडियन जो लोग हैं वो भी आपसे मोहब्बत करते हैं इंडिया से कभी ऑफर आई आपको ऐसे म्यूज़िक की डेफिनेटली हा, हाँ हा, बहुत आती है मुझे मुझे असल में आ, बात यह है कि मैं गाना भी बनाता हूँ मेरा गाना लिखा भी पसंद आता है लोगों को गाया हुआ भी और मैं हमदनात करता हूँ वो भी पसंद आती है मैं नेशनल करता हूँ वो भी पसंद आती है इसकी वजह क्या है कि मेरा कोई एक जॉनर नहीं है मेरे दिमाग में जो बात अच्छे से आती है ना क्योंकि मैं अच्छा अच्छा करने की सोचता हूँ तो उसमें नीयत सही होती है मेरी तो इस वजह से मुझे चीज़ अच्छी आ जाती है किसी भी जॉनर में मैं काम कर रहा हूँ किसी भी जॉनर में सोच रहा हूँ तो इसी तरह इंडिया में जो लोग काम करने वाले हैं उनको काफ़ी उनकी स्टोरीज में काफ़ी चीज़ों पे उनका जो मेरी टाइप का म्यूज़िक जो ना उनको लगता है कि ये होना चाहिए अभी जो सिंगर्स कुछ गाते हैं हमारे पाकिस्तान में लेकिन वो वही है कि जो इंडियन गाने सुन सुन के उनको कॉपी करके तो वो वही बन जाती है लेकिन उससे ही है लेकिन ये है कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है मैंने सुना है आपको आपने उधर इंस्टा पे कुछ गाया हुआ था तो मैंने उसको लाइक भी किया था तो आप कुछ सुनाएं इससे पहले क्या मुझे कह दें <laughs> <laughs> चले मैं आपका ही सॉन्ग जो है थोड़ा सा गाती हूँ आप मेरे साथ गाइएगा फिर ओके okay, तो इसी dance. तरह से हम देखते हैं कि पिच कैसे मैच की जाएगी चले, क्या मैं दुनिया करूँ तू जो मेरा hmm. नहा भूल में फैसला कर लिया hmm. जा मुत तुझे अलविदा कर दिया जा मुबत तुझे अलविदा कर दिया अलविदा कर, कर जबरदस्त ये तो आपने मेरे साथ मैच किया अब आप ओरिजिनल अपनी आवाज़ में भी सुना दीजिए हाँ वही ना आप क्योंकि आप अपने स्केल पे गा रहे थे हाँ। तो मैंने अपने स्केल पे गया तुझे अलविदा कर दिया जा मोहब्बत तुझे अलविदा कर दिया मैंने स्केल पे गया जबरदस्त ब्यूटिफाइल ब्यूटिफाइज अच्छा सिंगर्स जो होते हैं ना वो आ, कहते हैं कि एकदम से सही जाएगा तो वो अच्छा कुछ अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सीखा नहीं होता ना वो बोंगी मार के शुरू हो जाते हैं होते भी अच्छे हैं जरूरी नहीं है कि वो बोंगी मारे होते होते भी अच्छे नेचुरल होता है तो जो लोग सीख लेते हैं ना उनको प्रॉब्लम पड़ जाती है

तेरे बिन मर जाएंगे ना जाना जा रे ना जा रे मेरे दिल के सहारे मुझे छोड़ के मुख मोड़ के तू ही मेरा अपना है तुझको ये पता है नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तू क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे जबरदस्त बहुत yeah. खूबसूरत है बहुत खूबसूरत है आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है मतलब होते हैं ना कि आ, मर्दों की आवाज में थोड़ा सा जरा सख्त होती है mm -hmm. लेकिन आपकी आवाज में नरमी भी है जैसा ये में... असल में ना असल में जो मैं गाना चाहता हूँ ना जिस आवाज में जो मुझे खुद खुद को मेरी आवाज पसंद है hmm. वो इस तरह के टोन में है जैसे मैं वो भी गाऊं मैं तेनु समझावा की दिस इज माय नेचुरल सुनाए सुनाए ना तेरे बाजों लग दाजी तू की जाने प्यार मेरा मैं कर इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझा है? और मजा भी आता है, है? लेकिन, अच्छा भी लगता है मुझे ठीक है, कि, है, है लेकिन सब मुझे है, तो मुझे कहता है यार पागल हैीखे तो में आ रहा है जो आप दूसरा गाना सुन लू मैं सॉफ्ट वोकल में तो जब मैं ज्यादा सॉफ्ट वोकल में सुन लू तो मैं ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो गया क्या हो गया ज़रा हाई खुल के आना चाहिए तो वो एक एज ए आर्टिस्ट तो एज ए एक पेशेंट समझ लें आप ठीक है तो वो आप एक जगह पे होल्ड नहीं रह सकते बिल्कुल ऐसे ही है जिसका जो आर्ट होता है ना वो उसको बेहतर समझता हाँ तो वो ये चीज़ें हैं बाकी आ, बहुत अच्छा लगा आप आए डिस्कवर चैनल जो है आपका डिस्कवर पाकिस्तान आ, मैं बहुत इनको मुबारक देता हूँ आप सबको भी या पूरी टीम को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और आपको भी ईद मुबारक बहुत शुक्रिया तो हम लोग जब इस आ, मीडिया के जो चैनल्स पे आते हैं हम तो यहाँ पे एक उसके एक मैं समझता हूँ कि एक एक वैल्यू है हमारी बात की भी वैल्यू है सोशल मीडिया पर फेसबुक पे बना है जी मैं इधर आ रहा है मैं उधर जा रहा हूँ <laughs> वो कख भी नहीं लगता मुझे कसम से ऐसे फजूल था यहाँ पे अथेंटिक हो जाता है कोई भी आप बात करते हैं लोग सुनते भी हैं लोग ध्यान करते हैं यार बिल्कुल तो एक आवाज़ भी सही है और इसमें मोबाइल में क्या सही है आवाज़ आनी है बंदा टीरा हो जाता है देखते हैं कि छोटी सी स्क्रीन बंदा टीवी पे देखो यार एक बंदे को <laughs> उस पर सुनो उसको तो ये मैं हमेशा चाह रहा होता हूँ कि मैं इस तरह के इस तरह के जैसे आपका माशाल्लाह चैनल है या आप इसको होस्ट कर रही हैं तो इस तरह में मुझे अच्छा लगता है करना मुझे वो हालांकि कई इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं हालांकि वो नया नया चैनल बनाते हैं भले उनके शो सब्सक्राइबर्स दो लेकिन वो पैसे भी हमें ऑफर कर रहे होते हैं लाखों हो में तो वो लाख कुछ भी नहीं लग रहे होते जब आपका इंटरव्यू आप चल रहे है आपके मतलब आ, पांच व्यू आया बंदा पूछे यार क्या हो गया बंदा खुद पे शक हो जाता है कि यार मैं खराब तो नहीं होगा काम की <laughs> वो असल में ना कहते हैं कि मतलब ठीक है लोगों ने तो होती है। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा सिर्फ इसलिए लगता है कि जिन लोगों को चांस नहीं मिलता था टीवी पे आने का जैसे हम बचपन में देखते रहे की पीटी वी के बाहर लाइने लगी हुई अंदर नहीं घुस सकते बेचारे वो उनमें से कई टैलेंट भी होते थे तो अब ये है कि कोई सिंगर है या कोई एक्टर है या कोई कुछ करना चाह करना चाहता है क्लिप बनाता है और आप अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है उसमें बहुत सारे लोग ड्रामा इंडस्ट्री में आए बहुत सारे लोग सिंगर सिंगर बने इस हद तक मुझे सही लगता है अब वो जो है कि जीब से गाने बना के तो टिकटॉक पे डांस कर रहे हैं वो मुझे बड़े ही वैसे फजूल सा काम लगता है मुझे समझ नहीं आती कि जब यही लोग नाने दादे दादियाँ दादियाँ पुपियाँ बनेंगी तो उनकी क्या वैल्यू होगी जो टिकॉप वो, वो सुबह उठ के मेकअप मेक हाँ और उठ के तो उन्होंने उनकी एक एज भी होनी है आगे उनके मतलब अब 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 जाके ना हमें लगता है जैसे कि मतलब हमारे अब्बू हैं अल्लाह उनकी जिंदगी करे अम्मी की अल्लाह जिंदगी करे हमारे जो बुजुर्ग अभी जो है अम्मी जो पुफिया खाला हमारी मुझे लगता हैं इनके बाद बुजुर्ग कौन होगा कोई सही बात है। लगता ही नहीं है, सही बात है। जैसे हम लोग सुनते ना कि वो बड़ी अच्छी तो हाँ।, हाँ।, हाँ अब देखो ना हमने जवानी में जान लड़े सारे क्यों है वो तो साफ नहीं तब तक क्या ना आ गई हो ऐसी बच सकते हैं कि इनकी इज्जतें अगर क्या मत आ गई तो वरना तो बड़ी बेस्ती होने वाली इनकी कुछ सालों बाद तो मैं इस चीज़ को ना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता अगर आप देखें जाए ना तो मतलब आपकी क्या रिस्पेक्ट है कुछ वैल्यूज होती हैं कुछ आपके ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे आप जो ना ही देखी जाए अच्छा लास्ट में आप कोई मैसेज कोई चीज़ कुछ कहना चाहेंगे यार मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आ, जो हम सोशल मीडिया को ना बहुत मिस यूज़ करते हैं तो मैंने अभी भी बात की है इस तरह की कि आप ठीक है आप लोग टिकटॉक से पैसे कमाते होंगे या आप फेसबुक से या और ज़्यादा चीज़ों से तो ना इससे ये होता है कि आप कोई भी बंदा मैं देख रहा था कि कोई छत पे डांस कर रहा है तो एक दूर से बंदा एक उस लड़की की वीडियोस बना रहा है अभी तुम्हें क्या जरूरत है यार उसके बाद अपने चैनल पे डाल रहे हो तुम्हें पैसे आएंगे उसके तो ये सोशल मीडिया को एक 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 हद तक यूज़ करें तो आ, मेरा ख्याल है अच्छा आपके लिए भी आपके बच्चों के लिए अच्छा है आपके बुज़ुर्गों के लिए अच्छा है आप जब बुज़ुर्ग बनेंगे आपके लिए बड़ा अच्छा होगा तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं ये कम्पेन चलाऊँ और इसको एक एक क्या कहते हैं कैंडे में रखें इसको एक हद तक तो आप लोग जो अगर ये समझते हैं कि आपको भी अपनी इज्जत आपके बड़ों की अपने बच्चों की इज़्ज़त प्यारी है उनका जो आप पे एक मान होता है वो टूटे ना कभी तो आप इस चीज़ को कंट्रोल करें इस पर कंपेन करें और पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू सो गाईज होप आपको बहुत मज़ा आया होगा uh, एक सिंगर को एक इतने फ्रैंक और इतने हैप्पी मूड में देखकर क्योंकि मोस्टली जो है वो इन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स गाए हैं लेकिन इनसे बात करके अंदाज़ा हुआ है कि ये बहुत ही फ्रेंडली इंसान है और बहुत एक फ़नी सा इनका एक टोन है बात करने की सो होप यू हैव इन्जॉयड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अच्छे से ईद गुजारीएगा एंड अल्लाह हाफ